Hey guys, नमस्कार, मैं संदीप कुशवाहा। मैं आज लोगों को आप लोगों को सिंघाड़ा दिखाऊंगा। मैंने सिंघाड़ा थोड़ा लगाया हुआ है। मैं पहले सोच रहा था सीख लेता हूँ कि सिंघाड़े की खेती करते कैसे हैं, इसलिए मैंने सिंघाड़ा लगाया है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सिंघाड़ा दिखता कैसा है, लगाते कैसे हैं, पेड़ कैसा होता है, सब कुछ दिखाता हूँ। सिंघाड़े का भी ना थरा तैयार किया जाता है, और पौधों की तरह और जो भी फसल होता है ना उसकी तरह सिंघाड़े का भी पौधा तैयार किया जाता है। उसके बाद उसको लगाया जाता है तो जाके सिंघाड़ा तैयार होता है। और उसका भी बहुत सारा टेक्निक होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों को वो सब दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। तो आप लोगों को पीछे दिख रहा है, ये 15x15 का तालाब है मेरा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें मछलियाँ भी है, काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। तो इस तालाब में ये जो आपको दिख रहा होगा पूरा फैला हुआ है, ये सब पूरा सिंघाड़ा लगा हुआ है। मैंने लगाया था लास्ट ईयर, मैं लगाया था और पूरे गर्मी में इसको ज़िंदा रखना पड़ा पानी भर भर के। ये क्योंकि छोटा है ना तो जल्दी सूख जाता था, तो इसके लिए इसमें बार बार पानी भरना पड़ता था। तो अभी ये ज़िंदा है और फला हुआ भी, काफ़ी सारा फला हुआ है। मैं आप लोगों को फल दिखाऊंगा कि कैसे फल लगता है इसमें। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बाकी जैसे जो भी फसल होता है ना, जो भी सब्जी होती है या फिर जो भी फल होता है, उसमें फूल लगते हैं फल के साथ साथ, तो इसमें भी सेम प्रोसेस वैसा ही रहता है। अभी तो फूल किसी में दिख नहीं रहा है क्योंकि फल चुका है ना, ये फल चुका है, फल इसके बढ़ रहे हैं। अभी धीरे धीरे फल बड़े हो रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले चेक किया था, 8 से 10 दिन पहले चेक किया था, तो छोटे छोटे फल थे। अभी कल मैं चेक कर रहा था तो बढ़ गए थे। तो मुझे लगा कि एक वीडियो तो इस पर बनानी चाहिए, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, हम पहले ये जो दिख रहा है ना आपको, ये उठा के देखते हैं। ये देखिए, सिंघाड़ा ऐसे खिलता है, ऐसे फलता है। आपको दिख रहा होगा फल, सिंघाड़े का फल दिख रहा होगा। देखिए पूरा फला हुआ है और इसमें और भी फल लग रहा है। कल मैंने एक तोड़ा भी था इसमें से, ये देखिए टूटे हुए का निशान भी है, इसमें से तोड़ा भी था। ये आपका सिंघाड़ा ऐसा ही होता है, ये देखिए दोस्त। देखिए अभी इसमें मछली 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 भाग रहा है। वो शायद नहीं, ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा, मोबाइल का कैमरा ऐसा ही होता है, कैप्चर नहीं कर पाता है। ये पूरा सिंघाड़ा है, ये देखिए, ये फल देखिए सिंघाड़े का, ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना फला हुआ है, बहुत सारा फला हुआ है। तो ये क्या है कि फसल अभी तैयार है, मैं इसको तोड़ के बेच सकता हूँ, लेकिन इतने से में क्या होगा। तो ये घर के खाने के लिए बस बोला जा सकता है। जब मैं लगा रहा था तो लोग चिल्ला रहे थे कि क्या फालतू काम कर रहा है, लेकिन अभी लोग देख के बोलते हैं कि नहीं, तैयार तो हो चुका है। तो यही होता है, पहले आप कोई भी काम करते हैं दोस्तों, लोग चिल्लाते हैं। देखिए इसमें भी लग रहा है, इसमें मछलियाँ नहीं होती ना, तो मैं कीटनाशक छिड़क देता तो उससे क्या है ना कि फल में कीड़े नहीं लगते। अभी क्या, फल में कीड़े भी लग गए, तो इसमें मछलियाँ हैं, तो मैं क्या है भाई, जीव हत्या करना पाप है, और मैं नॉनवेज नहीं खाता। मैं मछलियाँ पाल के ज़रूर रखा हूँ, लेकिन मैं मछली खाता नहीं, मैं चिकन नहीं खाता, ये सब चीज़ें नहीं खाता मैं, मांस वांस से दूर रहता हूँ। अच्छी चीज़ें खाओ, सिंघाड़ा खाओ, बढ़िया है, मीठा लगता है। ये हरा वाला सिंघाड़ा है, दो टाइप का सिंघाड़ा आपको मिलता होगा मार्केट में, एक हरा वाला एक लाल वाला। तो ये मैं हरा वाला लगाया हूँ। नेक्स्ट ईयर से ये जो आपको पूरा दिख रहा होगा ना, वो घेरे के किनारे से ऐसे ऐसे मैं पूरा ये खुदाई करवा के तालाब को बड़ा बनाऊँगा। तो इसमें मछली तो नहीं पालूँगा दोस्त, सिंघाड़ा ही लगाऊँगा। मछली इसलिए नहीं पालूँगा क्योंकि मछली मैं खाता नहीं, तो इसलिए नहीं पालूँगा, ठीक है। तो अभी और मैं आपको दिखाता हूँ सिंघाड़े का पेड़, ये देखिए, अरे वाह, देख रहे हैं दोस्त, देख लीजिए, देखिए पूरा सिंघाड़ा फला हुआ है। मतलब ये ना हर पौधे में सिंघाड़ा फला हुआ है। और ये देखिए पास में एक केले का पौधा, केला फलता भी है, पानी के किनारे है तो इसलिए अच्छा फलता है। वो देखिए केला और भी लगा हुआ है, ये देसी केला, सब्जी वाला जो केला होता है वो लगाए हैं हम। इसमें सब्जी इसका बहुत अच्छा लगता है, इस केले का। तो आपने सिंघाड़ा देख लिया, तो गाइस आप सबने देख लिया कि कैसा होता है सिंघाड़ा। और भी ऐसी देखने के लिए वीडियो है, और भी ऐसे फसलों का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, अपने घर वालों में, अपने दोस्तों में फैलाइए, तभी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहूँगा, तब आप तक पहुँचता रहेगा और मैं भी कुछ पैसे कमाऊँगा अगर आप लोग फैलाओगे, ठीक है। तो मुझे भी फेमस कीजिए,
मुझे भी अर्निंग की ज़रूरत है, मैं खेती नहीं करना चाहता यार, बहुत मेहनत है।